हेलो दोस्तों, हमारे पास फूलों वाले 10 से 15 पौधे होते हैं जो मिनी बल्ब लग जाते हैं, तो उससे छुटकारा हम कैसे पाए इसी वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। लाइक करना ना भूले। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो पूरा देखिएगा। पहला प्लांट है हमारा जो पोटुला का, जिसे बोलते हैं। इसमें पिंक कलर के फ्लावर खिलते हैं और इस तरीके से देखिए मिनी बल्ब जो है हमारे पौधे पर लग जाते हैं। यानी कि जो फर्स्ट हमारी ऊपर की जो टिप होती है, जहाँ पर ग्रोथ होते हैं, जहाँ पर कलियाँ बनती है, उसी जगह पर ये सारे कीड़े लग जाते हैं और इनकी वजह से हमारे पौधे पर चींटियाँ आते हैं और हमारे पौधे के सारे जो है जितने भी एनर्जी हैं सारे ये कीड़े लेते रहते हैं, रस चूस लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारे जो कलियाँ है वो पीले होकर गिर जाते हैं या फिर इनकी ग्रोथ रुक जाती है, फूल नहीं खिलते हैं। तो इसी वीडियो में जानेंगे और हम घरेलू उपाय से आप सभी को बताएंगे कि हम कैसे अपने पौधे को हेल्दी ग्रो कर सकते हैं और इन कीड़ों से बचा सकते हैं। तो दूसरा प्लांट है हमारा जो ये देख रहे हो, ये है चंद्रमल्लिका, जिसे गुलदाउदी बोलते हैं, सेवंती बोलते हैं। हम लोगों ने अभी तक इस पौधे को सेव करके रखा है विंटर के लिए, तो फिर भी इनकी ग्रोथ जो है रुक चुकी है, क्योंकि देखिए इस तरीके से जो फंगस है वो लग जाते हैं। हम इनमें अच्छे तरीके से देखभाल अभी नहीं करते हैं क्योंकि अभी इनकी उतनी ज़रूरत नहीं है, इसलिए। तो ये देखिए इस तरीके से, तो हम इन्हें अभी ये जो है हम आज बनाने वाले हैं घरेलू उपाय से, उससे हम इस पौधे पर स्प्रे करेंगे और वो बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रो होंगे। तो इन सब पौधे सारे गायब हो जाएंगे यानी कि मर जाएंगे। हमें कितने दिन पर ये सब काम करना है सारी इसी वीडियो में जानेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो देख रहे हो, ये गुड़हल का पौधा है, जिसे हिबिस्कस बोलते हैं। ये है देसी हिबिस्कस जो ज़मीन में लगी हुई है, पर हर कलियाँ पास देख रहे हो इस तरीके से मिनी बल्ब लगे हुए हैं। और अगर हम गमले में भी लगाते हैं तो भी ये मिनी बल्ब लग जाते हैं। इसमें देखिए गुड़हल के पौधे में ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें इस तरीके की फंगस, जो हमारे पौधे की कलियाँ जो है गिर जाते हैं पीले होकर और इनको खिलने नहीं देते हैं। तो ये है व्हाइट हिबिस्कस, देख रहे हो पत्ते के पीछे इतने सारे है। और दूसरा तरीका भी मैं आप सभी को इसी वीडियो में बताऊँगी कि पहला तरीका और दूसरा तरीका भी, कि हम इससे भी हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो देखिए कितने सारे है, इसे तो हटाना ही नामुमकिन है ऐसा लग रहा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम घर के चीज़ों से ही इसे हम हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान है ये सब काम करना। दो टिप्स मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा ये देख रहे हो, ये टोरिनिया का प्लांट है। इसमें ब्लू कलर के फ्लावर खिलते हैं और इनके पत्ते में भी देखिए फंगस लग रहे, वही मिनी बल्ब, जहाँ तहाँ इस तरीके की जो है फंगस आ जाते हैं। एक बार आपके गार्डन में आ जाएंगे मिनी बल्ब तो ना जाने कितने सारे पौधे में ये अटैक करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, सब्जियों वाले पौधे, फूलों वाले पौधे, फल वाले पौधे में भी ये सब कीड़े लग जाते हैं। तो हमें हर हफ्ते में ये सब काम करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, जैसे कि हमारे पौधे हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। तो ये देखिए ये पचमुख गुड़हल जी से बोलते हैं, ये खिली हुई थी पर देखिए इसे सिर्फ मैंने इस तरीके से ना हल्की सी टच किया तो ये गिर गया। जैसे देखिए इनके नीचे में यहाँ पर भी कीड़े लगे हुए हैं, तो सिर्फ थोड़ी सी टच करने से भी ये गिर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है कलिया के पास सारे रस चूस लेते हैं ये मिनी बल्ब और हमारे फूलों को कमज़ोर कर देते हैं, हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। जितने भी एनर्जी रहती है ये सारे चूस लेते हैं। तो हमें इनसे कैसे छुटकारा पाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो हमारे पौधे में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। तो ये कुछ मैंने प्लांट आप सभी को दिखाया है जो जो मेरे गार्डन में यहाँ पर कीड़े लगे हुए हैं। तो आपके पास अगर कोई भी फूलों वाले या फल सब्जी वाले पौधे हैं तो आप ये ज़रूर ये काम करें जो आज मैं आप सभी को स्प्रे बताने वाली हूँ। बहुत ही हेल्पफुल है और होममेड है दोस्तों, नुकसान होने वाली बात नहीं है। हमें एक मग पानी ले लेना है, पहला बात, एक लीटर या फिर आधा लीटर। फिर हमारे पास देखिए स्प्रे बोतल नहीं है तो हम इस तरीके की घर से जो बोतल होते हैं वो लेंगे और ढक्कन में हम छेद कर लेंगे जैसे कि सुई की मदद से। फिर दूसरा काम करेंगे, यहाँ पर देखिए हम थोड़ी सी हैंड वाश लेंगे, जो घर पे आपके हैंड वाश है वही लेंगे। 3 से 4 बूंद इस तरीके से हम दबा कर ले लेंगे मग में, जिसमें हम लोग पानी लिए हैं उसमें ही हैंड वाश हमें डालना ज़रूरी है, तब जाकर हम इसमें फिर डालेंगे। देखिए ये है खाने वाला सोडा, जिसे सोडा बोलते हैं दोस्तों, मीठा सोडा, वही आधा ढक्कन मैंने ले लिया है। आप चम्मच की मदद से आप आधा चम्मच ले लीजिए या फिर 1 चम्मच ले लीजिए। हमें देखिए इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। सिर्फ 2 चीज़ों को मैंने मिलाकर बनाया है। हमारे पास स्प्रे बोतल नहीं है तो हम इस तरीके की बोतल को स्प्रे बोतल बना सकते हैं घर पे। और मैंने यहाँ पे देखा कुछ भी खर्च नहीं किया, जो हमारे घर पे रहते हैं उसी चीज़ों से मैं ये कीड़े को हटा रही हूँ। आप
हफ्ते ये काम करें, आपके पौधे पर एक भी फंगस नहीं नज़र आएंगे। अब हमें देखिए इसे है बोतल में भर लेना है, फिर उसके बाद हमें कैसे स्प्रे करना है वो इसी वीडियो में देखिएगा दोस्तों। जैसे कि अगर मिट्टी में थोड़ी बहुत चली भी जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शाम का टाइम स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। शाम को करने से क्या होगा, हमारे पत्ते में देख पत्तियों जो होते हैं, कलियां होते हैं या फिर टहनी होते हैं, उसमें थोड़ी देर तक नमी बनकर रहेंगे, तो ये कीड़े हैं जो बहुत जल्दी मर जाएंगे और हमारे पौधे पर दोबारा नहीं आएंगे। अगर यही काम हम दोपहर को या सुबह में करेंगे तो क्या होगा, ये सारे धूप से सूख जाएंगे और फिर हमारे पौधे पर बहुत जल्दी असर नहीं करेंगे। इसलिए आप जब भी करें तो शाम का टाइम में ये काम करें, बहुत जल्दी हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमें इसी बोतल को ऐसे चिपना है, स्प्रे मतलब जैसे होता ना प्रेस देना है, इस तरीके से जोर से चिपेंगे तो ये इस तरीके से कुछ निकल कर आएंगे। और जहाँ जहाँ पर फंगस है आपको इस पौधे को नहला देना है, यानी कि डाल देना है, और ये सारे जो फंगस है वो मर जाएंगे। इस तरीके से आप करिए, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर करिए दोस्तों। जैसे कि आप रूटीन बना लीजिए, हर संडे को करिए या फिर मंडे को, एक टाइम पर आप दिन बना लीजिए और वही दिन पर आप सिर्फ करो। हर प्लांट पर आप अपने पौधे पर कर सकते हैं, आपके पौधे में कभी भी फंगस नहीं लगेंगे। ज़मीन में लगी हुई पौधे बहुत बड़े होते हैं तो उसमें हम लोग ये सब काम नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ऊपर तक चली जाती है, तो इसलिए। तो देखिए अब हम इसमें दूसरा काम आप सभी को बताएंगे कि इसमें कैसे करना है। जैसे कि देखिए दोस्तों इसे हमें करना क्या है, आप इसमें तो मिनी बल्ब लगे हुए हैं तो हम ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्लांट है तो हम इसे ना यहाँ से कट कर देंगे। जितने सारे ब्रांच में है सब में कट कर देना। तो देखिए मैंने सबको कट कर दिया है, इसमें व्हाइट कलर के इसमें फ्लावर खिलते ही हिबिस्कस के हैं और इतने सारे मैंने ब्रांच को कट करके हटा दिया क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थे। मैं चाहती तो इसे धोकर निकाल देती पर मैंने इसे हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया। अब मैं जो है थोड़ी थोड़ी स्प्रे उस पर कर दूँगी तो अब नहीं आएंगे फंगस, बहुत ज़्यादा ही इसमें फंगस लग चुकी थी तो मैंने इसे कट करके ही डायरेक्ट हटा दिया है दोस्तों। जैसे कि बड़े बड़े प्लांट है ज़मीन में लगी हुई है तो हम उसे कैसे छुटकारा पाए, इस तरीके से आप कट करके हटा दीजिए या तो फिर आप पूरी प्लांट पर स्प्रे कर सकते हो तो कर सकते हैं। छोटे प्लांट है तो देखिए हमें कट करके हटाना नहीं है, सिर्फ स्प्रे बोतल से आप स्प्रे कर दीजिए। जैसे टोरिना का प्लांट है छोटा, और भी बहुत सारे छोटे छोटे बेबी प्लांट होते हैं वो सब में भी लग जाते फंगस, तो आप स्प्रे करके हटा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।